जल, जंगल, जमीन और आदिवासी के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले गोंडावना शेर हीरा सिंह मरकाम ने 79 साल की उम्र में बिलासपुर के वेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। छत्तीसगढ़ की राजनीति में और समाज के लिए हमेशा आगे रहने वाले हीरा सिंह मरकाम के निधन पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पूरे आदिवासी समाज के लिए इसे अपूर्ण क्षति कहा है। आपको बता दें कि हीरा सिंह मरकाम के राजनीतिक जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा था। राजनीति के मामले में मरकाम जी की कमी कभी भी पूरी नहीं की जा सकती है। वे हमेशा से एक सक्रिय राजनेता के तौर पर उभरे और राजनीतिक जीवन में जो वो जल, जंगल, जमीन को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे। अंतिम संस्कार उनके पैतृक ग्राम तिवतरा में हुई, जहां छत्तीसगढ़ और अन्य राज्य जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल से चीर परिचित राजनीतिक और समाज से उनकी अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे थे। दिलीप सिंह जुदेव को टिकट मिली थी तो उसका उन्होंने विरोध किया कि भाई मैं जो है मैट्रिक पास हूँ तो मुझे कॉलेज की परीक्षा देना चाहिए फर्स्ट ईयर की। और दिलीप सिंह जुदेव जो है 1988 में अर्जुन सिंह से उपचुनाव हार चुके हैं खरसिया से, तो उनको कैसे लोकसभा की टिकट दी गई है, और वो भी लोकसभा क्षेत्र से बाहर के हैं। तो उन्होंने बगावत कर दी और हम सब लोगों ने समाज से मिल करके महासभा, गोंडवाना महासभा, ज्योरा गोंडवाना महासभा, तिवर्ता, दोनों मिल करके उनको चुनाव लड़ाया गया था। उस समय की जो राष्ट्रीय पार्टी थी CPIM, उसको हमने पीछे छोड़ दिया था और उससे 2000 वोट हीरा सिंह मरकाम जी को ज़्यादा मिला था। उस समय बहुत लोगों से चिट्ठी आई थी कि हीरा सिंह मरकाम आप जो है आदिवासी समाज के हीरो हो। और उसके बाद आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी इसी कारण से, और 1992 में उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाई और चुनाव तो लड़ते रहे लेकिन चुनाव में निरंतर उनका पराजय होता रहा। फिर 1996 में उपचुनाव हुआ तानाकार में, उसमें उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से पहले विधायक बने और 1998 में फिर से विधायक बने, मैंने तीन बार ये वहाँ से विधायक रहे। उसके बाद ये समाज का काम चलता रहा और पार्टी को भी आगे बढ़ाया। 2003 में 3 विधायक बने थे और इस तरह से समाज के काम को न केवल छत्तीसगढ़ में, न केवल मध्य प्रदेश में, बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात और राजस्थान में भी उन्होंने काम शुरू किया। आदिवासियों के हक की बात, तो आदिवासियों के हक के लिए उन्होंने लगातार वो संघर्ष करते रहे। जैसा मैंने बताया कि कम विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ, उनके पास आय का कोई साधन नहीं था, फिर भी वो निरंतर काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे और संघर्ष को आगे बढ़ाया उन्होंने। और कई लोग जुड़ते गए, कई लोग बिछुड़ते गए, कई लोग थक गए, लेकिन उनका आंदोलन चलता रहा। अब ये सवाल है कि इस मुहिम को, इस आंदोलन को, इस गोंडवाना आंदोलन को कैसा, उनका एक सपना था नो कांग्रेस नो बीजेपी, और कांग्रेस और बीजेपी जब तक सरकार में रहेंगे तब तक जनहित में काम नहीं हो सकता, गरीबों की कल्याण नहीं हो सकता, किसानों का कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना था। और उस इसीलिए उन्होंने हट करके कभी किसी से समझौता नहीं किया। क्षणिक समझौता किया लेकिन वो जानते थे कि मैं इनसे समझौता करके सरकार में भी आ जाऊँगा, उसके बाद भी मैं अपने लोगों का कल्याण, अपने लोगों की भलाई नहीं कर सकता, इसलिए वो मन से कभी समझौता। कुमार सिंह खेरवार की रिपोर्ट।